भैग्यारो राम राम सभी जनक हो बहुत ही बहुत राम राम। एक बात तुम्हारों से क्या वो चाहत है, जौन 1996 में हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार उदय प्रकाश नारायण ने कही थी और अबे तक वो मान रहा तुम्हारों को देखा भी रहो जिस सब जगह के कैसे भारत को लूटो जा रहा है, भारत और लगातार लुटेबे पे उतारू है। उनने कई कहा थी बात सुन ली कि 200 साल बाद जब अंग्रेज भारत से माला माल होकर अपने वतन वापस लौट जाएंगे तब उसके ही समान भारत के मूल निवासी नेटुओं का राज होगा भारत में। बे लोग वही खाएंगे जो अंग्रेज खाते थे, वही पियेंगे जो अंग्रेज पीते थे, और जो अंग्रेज भाषा बोलते थे वही भाषा बोलेंगे। उनके कपड़े विचार स्वप्न आकांक्षाएं सभी अंग्रेजी होंगी। वे हर भारतीय वस्तु से घृणा करेंगे। वे इंडिया को उससे भी ज्यादा लूटेंगे जितना कि विदेशी कंपनियों ने लूटा है। तो का तुम्हारो खुन जो लग रहा है कि भारत में का जोई चल रहा है सब जगह कि भारत को लूटवे पे उतारू है और भारत की हर एक चीज से बिल्कुल ऐसो किनारो करो जा रहा है जैसे कि जे अपनी हो न भारत में वो अपने बाप मताई के लाने पूजाते आदमी आज वृद्धाश्रम खुल गए। अच्छी बात है वृद्धाश्रम खोलो, मगर खोलो कौन को जो अकेले हुए। आज पति पत्नी को छोड़ दे तो लाखों रुपया वसूली हो जाता, कोनो मोड़ा और बहू बाप मताई को छोड़ रहा तो उनको का है, उनके लाने भी ऐसा कानून बनो चज्जे के उनकी जायदाद में उनकी दखल अंदाजी न भाव चज्जे और उनको भी न कार दो चज्जे। ऐसी एक संस्था भी बनो चज्जे के उनकी निगरानी करी जाए के बूढ़े जो ने जिंदगी भर तुम्हार पालो जिंदगी में तुम्हारे कर भी लायक बना दो, आज हम उनको छोड़ के अलग रहने लगे। सो उन पे भी एक ऐसी संस्था को गठन भाव चज्जे बिल्कुल के उनकी देखरेख और गठन को मतलब जो अन्य के अपनी जो अधिकारियों को चयन हो रहा है मनन हो रहा है वे अपने अधिकारी अपने चार दीवारी में होकर अपने ऑफिस में पसरे देवे। उनको जो है कि दौरे दौरे में जाके गांव में जाके ऐसो चाहे गुप्तचर की भांति चाहे खुद बिल्कुल संलग्न भाव चाहिए के आखिर ऐसी स्थिति में को निवास कर रहा है। सो अग्यारो हमारी बात तुम रखो तुम सब जनों को समझ में आ गई जे कछु हम क्या वो चाह रहे हैं। बा उदय प्रकाश नारायण ने बहुत पहले कही थी कि भारत कैसो लुट है। कल को अपने अट कहा तो एक मैं पहले हाथी में भोरी भारी पैर रहती हरेरी चोली, पहले हाथी में भोरी भारी पैर रहती हरेरी चोली, अब तो हो गए डग्गा मग्गा पैरे हैं मोतियन के हार। सो भैया रो हार को पैरे हैं और जीत को पैरे हैं वो तुम्हारों को बताने तो मानो तुम्हारों ने सब जनों ने सही सही बताओ। एक ही जने हैं बब्बा दादा रामदयाल साहू जी, उन्हें गलत बता दो। सो ईगो उत्तर तो मका जो अन्य देखा तो जो तुम्हारा घुंटी है और देखो बे जब डग्गा मग्गा हो जात हलल लगा थे सो बे अच्छे सब जन उनको का बतावी की जरूरी है। मका के भुंटा सब जने चीना था और सब जने देखा था कि बिल्कुल मोती घाई चमका था मजा आ जा देखे में। सो भैया ये अटका के विजेता को है राकेश अहिरवार घोरेटा सागर, पुष्पेंद्र अहिरवार घोरेटा सागर, बसंत ठाकुर वासुदेव चौधरी भडराना बंडा, पुष्पेंद्र ठाकुर गिल्टोरा खोरई ब्रजेश अहिरवार घोरेटा सागर, हरविंदर सेन श्रीसई धामानी बलराम पटेल। सो भैया रो जे अटका के विजेता सभी जनों को बहुत ही बधाई और तुम्हारों के लाने अब कल को भी अटका बताने पर है। सो भैया अटका कल को का है और जो अटका भेजो कौन ने है पुष्पेंद्र ठाकुर गिल्टोरा खुरई बारे है वे कह रहे हैं कि लाल कनारी हरी रो ढकना, लाल कनारी हरी रो ढकना और जे कोई ने बता पाए उको द दलखना, लाल कनारी हरी रो ढकना जे कोई ने बता पाए सो उको द लखना। सो तुम्हारों के लाने जो बिल्कुल चैलेंज होगा है बिल्कुल के तुम्हारो को बताने है अपने बाप की इज्जत को सवाल है। सो भैया सब जाने बिल्कुल चूल से कमेंट करो और अटका को उत्तर बताओ लखना हो वैसे बिल्कुल बचाओ भैया सब जानो को राम राम।